भारत में बैंगन की खेती काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। बैंगन उगाने वाले प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। बाजार में बैंगन की मांग पूरे साल रहने की वजह से किसान इससे अच्छा व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंगन की फसल में कीटों व रोगों का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बैंगन की अच्छी पैदावार लेने के लिए संतुलित उर्वरक एवं सिंचाई के साथ साथ कीड़े व बीमारियों की रोकथाम समय समय पर कर लेना जरूरी है, जिससे फसल को नुकसान से बचाया जा सके। बैंगन तना और फल बेधक एक घातक कीट है। बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट ल्यूसिनोड्स ऑब्रेनेलिस सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। इस कीट के प्रकोप से उपज की ही कमी नहीं होती, ग्रसित फसलों की गुणवत्ता कम होने से कृषकों को फसल का कम मूल्य मिलता है। इसके पौधे और फलों को नुकसान मुख्य रूप से शूट बोरर के लार्वा यानी इल्ली की वजह से होता है। लार्वा निकलने के बाद तने व शाखाओं के अग्रभाग में घुस जाती है, जिस कारण तने शाखाओं के अग्रभाग मुरझा कर लटक जाते हैं व बाद में सूख जाते हैं, जिसे डेड हार्ट के नाम से जाना जाता है। बैंगन की खेत में डेड हार्ट लक्षण मिलने के साथ ही पता लगाया जा सकता है कि ये तना और फल छेदक कीट का ही प्रकोप है। पौधों पर फल आने पर लार्वा इल्लियां फलों में छेद बनाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर घुसकर ये कीट छेदों को अपने मल मूत्र से बंद कर देते हैं। इल्लियां अंदर ही अंदर फल के गूदे को खाती रहती है। कीट द्वारा किए गए छिद्रों से फफूंद व जीवाणु फलों के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे बाद में फल सड़ने लगते हैं। इसी तरह से कीट फूल कलियों और फलों को संक्रमित कर देते हैं। बैंगन की फसल में इस कीट से 70 से 100 फीसदी तक नुकसान देखा जाता है। कीट की पहचान की बात करें तो पूरी तरह विकसित लार्वा सदृश गुलाबी रंग और भूरे सिर वाला होता है, जो तनों, सूखी टहनियों या जमीन पर गिरी पत्तियों पर व्यूपा बनाता है। तना एवं फल छेदक कीट के वयस्क मध्यम आकार के मोथ पतंगे, जिनके अंग्र पंख सफेद धब्बेदार होते हैं। फरवरी मार्च में कीट की वयस्क मादाएं दूधिया रंग के अंडे एक एक करके या समूह में पत्तियों के निचली सतह, तनों, फूलों की कलियों या फल के आधार पर देती है। इन अंडों से 3 से 5 दिन बाद लार्वा निकलते हैं, जो पत्तियों, तने व शाखाओं के अग्रभाग में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए बैंगन तना और फल छेदक कीट के जीवन चक्र को 4 अवस्थाएं, अंडा, लार्वा, व्यूपा व वयस्क हैं। फल के अंदर लार्वा के प्रवेश के बाद लार्वा इल्ली को नष्ट करना संभव नहीं हो पाता, अतः कीट से फसल को बचाने हेतु कीट की व्यापक पतंगा तितली को फसल पर अंडे देने से बचाना होता है। एक बार यदि अंडे से लार्वा इल्ली निकलकर पौधे के अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर फलों को नुकसान से नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए खेत की निगरानी करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को वयस्क तितलियों को आकर्षित कर उन्हें नष्ट करते रहना चाहिए। प्रकाश प्रपंच हेतु एक चौड़े मुंह वाले बर्तन, परात, तसला आदि में कुछ पानी भर लें तथा पानी में मिट्टी का तेल मिला दें। उस बर्तन के ऊपर मध्य में विद्युत बल्ब लटका दें। यदि खेती में बल्ब जलाना संभव ना हो तो 2 ईंट या पत्थर रखकर उसके ऊपर लालटेन या लैंप रख दें। लालटेन को 3 डंडों के सहारे भी लटका सकते हैं। शाम 7 से 10 बजे तक बल्ब, लालटेन या लैंप को जलाकर रखें। वयस्क कीट तितलियां प्रकाश से आकर्षित होकर बल्ब, लालटेन व लैंप से टकराकर बर्तन में रखे पानी में गिरकर मर जाते हैं। बाजार में भी प्रकाश प्रपंच, सोलर प्रकाश प्रपंच उपलब्ध हैं। वयस्क तितलियां पतंगों को आकर्षित करने के लिए फ्यूरामोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूरामोन ट्रैप को गंधपाश भी कहते हैं। इसमें एक प्लास्टिक की थैली पर कीप आकार की संरचना लगी होती है, जिसमें लियोर गंधपाश लगाने के लिए एक सांचा दिया होता है। लियोर में फॉर्मेन द्रव्य की गंध होती है, जो आसपास के नर कीटों को आकर्षित करती है। ये ट्रैप इस तरह से बने होते हैं कि इसमें कीट अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पाते हैं। फॉर्मेन ट्रैप में 1 महीने के बाद लियोर यानी गंधपाश की टिकिया को बदलते रहें। बीज या पेस्टिसाइड की दवा में फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है। एक नाली 400 वर्ग मीटर के खेत में एक फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। आसपास के कृषकों को भी ट्रैप लगाने हेतु प्रेरित करें। फसल की निगरानी करते रहें। यदि पौधे के किसी भी भाग, पत्तियां, तना, फूल की कली आदि
कीट के अंडे दिखाई दें तो उन्हें हटाकर नष्ट करें। पौधे को तने व शाखाओं का अग्र भाग कीट के प्रभाव से जैसे ही मुरझाकर झुकने लगे, इन भागों को 1 इंच नीचे से काटकर पौधे से हटाएं। साथ ही ग्रसित फसल, पौधे की सूखी टहनियां, गिरी सूखी पत्तियों को एक पॉलिथिन में एकत्रित कर नष्ट करें, जिससे वयस्क तितलियां, पतंगों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। फसल पर कीट के जैविक नियंत्रण के प्रति एकड़ 50,000 से 60,000 ट्राइकोग्रामा चिलोनिस अंडे छोड़ें। बेसिलस थ्रिंगिस बीटी 1 मिलीलीटर पानी की दर से 10 दिनों के अंतराल पर फूल आने के समय 2 बार छिड़काव जरूर करें। कीट के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों जैसे एजराडेक्टिन, नीम ऑयल 10,000 ppm का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या एजराडेक्टिन 0.3% WSP 300 ppm 5.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर सायकाल में या सूर्य उदय के 1-2 घंटे पहले पौधे पर 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, जिससे तितली पौधों पर अंडे ना दे सके। दवा के घोल में प्रिल, निर्मा या कोई भी अन्य लिक्विड डिटर्जेंट की कुछ बूंदे मिलाने पर दवा अधिक प्रभावी होती है। रासायनिक उपचार के लिए खड़ी फसल पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% की दर से 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी या थीडियोकार 75% की दर से 2 ग्राम फ्लुबेंडियामाइड 20 WDG 0.75 ग्राम प्रति लीटर पानी, फोसिलॉन 35% की दर से 1.5 ml प्रति लीटर पानी, थीडियोकार 75% की दर से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बैंगन में लगने वाले तना एवं फल भेदक के रोकथाम की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल को दबाएं, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।